हेलो uh, स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक वीडियो पहले वाले वीडियो में क्लास एट का चैप्टर टू तो डिस्कस किया था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना कैसे स्टार्ट किया था द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो बना था इंडिया में वो रिवर हुगली में के किनारे बना था सिक्सटीन में ठीक है जो कि कंपनी का बेस था और नो न दैट टाइम एज फैक्टर्स द कंपनी ट्रेड्स नो एट फैक्टर्स ऑपरेटेड द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस और ये एक कंपनी के अपना वेयर हाउस था जहाँ पे वो सामान को रखते थे एक्सपोर्ट करते थे स्टोर करके रखते थे डेट ऑफिस वर कंपनी ऑफिसियल सेट और ये कंपनी के ऑफिसेज भी थे ये जीवर हुगली के किनारे जहाँ पे ऑफिस मतलब कर्मचारी लोग बैठते थे और डिस्कशन वगैरह करते थे कि कौन सा सामान कब एक्सपोर्ट होगा कहाँ होगा कितना स्टोर है ठीक है तो एज़ ट्रेड एक्सपेंडेड जैसे कि ट्रेड बढ़ता गया तो द कंपनी प्रिस्क्रिप प्रसडेड द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम तो कंपनी के लोगों ने जो ट्रेडर्स थे इंडिया के उनको कहा कि वो यहीं पे आके मतलब जहाँ उनका ये फोर्ट वगैरह था जहाँ इनका वेयर हाउस था इसी के आसपास आके रहने लगे और सेटल हो जाए ठीक है बस सिक्सटीन नाइनटी सिक्स इट बिगेन बिल्डिंग फोर्ड अराउंड द सेटलमेंट उसके बाद सिक्सटीन नाइन्टी सिक्स तक होते होते इन्होंने जहाँ पर अपना ट्रेडिंग इस्टार्ट किया था वहाँ पर काफ़ी बड़ा किला वगैरह थे सब बिल्डिंग बना लिया था टू ईयर्स लेटर इसके बाद मुगल ऑफिसर्स इन टू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट ओवर थ्री विलेजेस उसके बाद इनको जमींदारी मिल गई किसकी तीन गांव की उनमें से एक गांव था सबसे बड़ा फेमस कालीकट मतलब कि जिससे हम लोग कैलकटा या कोलकाता कहते हैं इट ऑल्सो प्रेसिडेड द मुगल इम औरंगजेब टू ईसू ऑफ फरमान गरी दिन राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री और इन्होंने औरंगजेब को फरमान भेजा कि कंपनी को राइट दे दे कि वो अपना ट्रेडिंग का जो काम है वो फ्री में कर सके मतलब कि को कोई टैक्स टैक्स पे ना कोई रेवेन्यू कोई टैक्स पे ना करना पड़े द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस जो कंपनी थी वो कंटिन्यूसली प्रेस कर रही थी औरंगजेब को कि वो उन्हें काफ़ी कंसेसन दे टैक्स में छूट दे ठीक है तो औरंगजेब का जो फरमान जारी किया था तो उन्होंने कहा था कि कि ठीक है उन्होंने इनको यहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए तो मतलब टैक्स फ्री कर दिया था कि टैक्स नहीं देंगे लेकिन बाद में हुआ ये कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी छिप छिपा के ट्रेडिंग करना चालू कर दिए थे लेकिन औरंगजेब ने उन लोगों को टैक्स के लिए मना नहीं किया था उनसे तो वो टैक्स लेते थे बट ये जो ऑफिशियल्स थे ये बहुत भारी मात्रा में ट्रेडिंग करते थे सामान का लेकिन टैक्स जो है वो हमेशा रिफ्यूज़ करते थे देना सिंग एन इन लॉस ऑफ रेवेन्यू इस वजह से जो बंगाल का जो गवर्नमेंट था उससे काफ़ी टैक्स का नुकसान हो रहा था हाउ कुड द नवाबा बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट किस तरह से देखिए नवाब जो थे बंगाल के उन्हें प्रोटेस्ट नहीं किया गया आइए आगे, दे, आगे देखते हैं यह है कि हाउ ट्रेड लेड टू बेटल किस प्रकार ये जो ट्रेडिंग था वह बेटल का रूप ले लिया था थ्रो द अर्ली टीन सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल एटीन सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था मतलब बहस या उलझा मतलब शुरू हो गई थी किनके बीच में कंपनी के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच में औरंगजेब के जो दहज के बाद जो वहाँ के जो नवाब और दूसरे जो नवाब थे वो काफ़ी अपनी पावर को बढ़ा लिए थे और जो मुर्शिद कुली खान था उसने कहा कि अब कोई मुगल वगैरह का शासन नहीं होगा ठीक है अब मैं ही राजा रहूँगा और अपने आप को ही वह क्या मान लेता है एक राजा मान लेता है नवाब मांग लेता है वहाँ का ठीक है मुर्शद कली खान वॉज़ फॉलोड बाई अली वर्दी खान मतलब मुर्शद अली खान के बाद कौन बना नवाब अली वर्दी खान और अली वर्दी के बाद बने सजादुल्ला खान एज ए नवाब बंगाल ईच वन ऑफ़ देम इज इन में से सभी जो भी थे नवाब बहुत ही पावरफुल थे ठीक है इन्होंने इन तीनों ने कंपनी को जो कंसेशन मिल रहा था उसको देना बंद कर दिया और इन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में उनसे टैक्स के लिए डिमांड करने लगे ठीक है और ये जो कंपनी अपने सिक्कों को बना रही थी ना तैयार कर रही थी उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया ठीक है एक्यूज द कंपनी ऑफ डिलेक्ट दे, दे क्लेम डेट कंपनी वॉज डिपोरिंग द बंगाल गवर्नमेंट और इन्होंने कहा कि कंपनी की वजह से ये जो है ये यहाँ पर बहुत मतलब मिसबिहीव करते थे क्या लोगों में क्या है कि नवाब के प्रति नेगेटिविटी भरते थे और उसकी वजह से जो यहाँ के गवर्नमेंट थे उसको काफ़ी लॉस हो रहा था रेवेन्यू का टैक्स का इट वॉज़ रिफ्यूज़िंग टू पे टैक्स क्योंकि वह टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर रहे थे और बहुत ही गंदे गंदे भद्दे लेटर्स लिख के भेजते थे नवाब लोगों को ठीक है और, और उनको ह्यूमिलेट करने की मतलब कि उनकी शक्ति को कम करने की उनकी पावर को कम करने की हमेशा कोशिश करते थे और उनके जो ऑफिसल्स थे जो आर्म्स थे नवाब के उनको भी वो काफ़ी भड़काते थे The company on its part declared that the unjust demand of the local officers for running the trade of the company and trade could flourish only द duties were removed. और वो चाहते थे जो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन पर हर एक तरह की ड्यूटी या जो बंधनों को हटा दिया जाए ताकि वो अपने कंपनी को और अधिक बढ़ा सकें ठीक है इट वॉर ऑल्सो कन्विंस उन्होंने ये भी कन्वेंस किया था कि वो अपने सेटलमेंट को यहाँ पे अधिक दूर तक अधिक जगह तक बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए उन्हें विलेजेस या गांव अधिक से अधिक गांव खरीदने पड़ते हैं और उन्हें फोर्स बनाने पड़ते ताकि वो अपने ट्रेडिंग के सामान को सेफ रख सकें द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली इंक्लिमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ पलासी और यही कॉन्फ्लिक्ट जो था आगे चल के एक पलासी का युद्ध बन गया आइए आगे देखते हैं द बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ पलासी क्या था पैन वैन अलीवर्दी खान डाइड जब अलीवर्दी खान सेवनटीन फिफ्टी सिक्स में उनकी डेथ हुई थी तो सिराजु सिराजुद्दुल्ला दल, जो इसमें नवाब बने थे बंगाल के द कंपनी वाज वरीड तो कंपनी जो थी इनके पावर से बहुत ही वरीड थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे ठीक है तो लेकिन कंपनी चाहती थी कि उन्हें एक ऐसा रूलर मिले जो पपेट हो पपेट मतलब पुतली की तरह उनके सारों पर काम करने वाला हो सो इट ट्राई थ्रो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दुल्ला रिवर्स बिकम द रिवर्स बिकम द नवाब एंड इसलिए ये क्या करते थे जो ये इनके मतलब राज के जो आर्मीज वगैरह होते थे जो इनके मंत्री होते थे उसको काफ़ी ये पर्स मतलब कि भरते थे कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको राजा या इनको नवाब बना दिया जाएगा एंड इनक्रूटेड आर्ट दूट स्टॉप मेडिटिंग इन द पोलिटिकल अफेयर उसके बाद से सिराजदुल्ला ने कंपनी को कहा था कि वह यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर करना बंद कर दे फोटिफिकेशन या जो भी कर रहा उसको बंद कर दे और टैक्स को दे उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर लेकिन लोगों ने निगलेक्ट कर दिया तो आफ्टर निगोटेशन के बाद जो फेल हुआ जो नवाब थे ये आखिरी नवाब इन्होंने अपने तीस हजार सेना के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो थी इन लोग एशियन कंपनी की कासिम बाजार में उन्होंने कैप्चर कर लिया कंपनी के ऑफिसर्स को बंदी बना लिया वेयर हाउस को लॉक करवा दिया और उनके हथियार जो इंग्लिस मैन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनके हथियार को छीन लिया एंड ब्लॉकेटेड इंग्लिश सिप और जो उनके सिप थे उसको भी ब्लॉक कर दिया देन ही मार्च टू कैलकटा उसके बाद वह कैलकटा की तरफ बढ़ने लगी जहाँ पे उनके और अधिक फोर्स थे आगे देखिए देखिए ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा और जब उन्होंने कैलकटा के जो उनके अधिकारी मेन ऑफिसर्स उनका मद्रास में था जब उन लोगों ने इसके बारे में सुना सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट लिव क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव के अन, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स था मद्रास में वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में था तो रॉबर्ट जो क्लाइव थे उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था सेवनटीन फिफ्टी सेवन में ठीक है कंपनी के साथ तो कंपनीज आर्मी अगेंस्ट हजार खान एट पलासी मतलब कंपनियों के बीच में सेवनटीन फिफ्टी सेवन में इन जो युद्ध होना स्टार्ट हुआ था वन ऑफ़ द मेन रीज़न वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर डिफीट ऑफ द नवाब और उसमें क्या हुआ था जो सियाजुल्ला थे नवाब थे, थे इनकी हार हुई थी और इनकी हार का जो मेन रीज़न था वो यह था कि इनके जो मतलब इनके जो मेन मित्र थे मीर जफ़र उन्होंने अपने आर्मी उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी जो सराजुल्लाह के साथ काम करती थी ठीक है तो इनके जो ये अपनी आर्मी को इनके साथ युद्ध करने से मना कर दिया था और रीज़न ये था कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने मीर जफर को कहा था कि अगर सराजुल्लाह की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद वह इसको नवाब बना देंगे जो कि इनका पपेट होता तो यही रीज़न था कि मेर जफर ने युद्ध नहीं लड़ा और सराजुल्लाह की बहुत बुरी तरह से हार हो गई द बैटल ऑफ पलासी बिकम फेमस और जो बैटल ऑफ पलासी है वो फेमस हो गया क्यों इट वॉज़ द फर्स्ट मेजर विक्ट्री क्योंकि बहुत बड़ी जीत थी कंपनी की इंडिया में पहली जीत थी ओके okay? तो रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो